चलिए, हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या मिर्च या चिली क्रॉप के बारे में। तो वो चिली दो प्रकार की, एक इसको हम हॉट चिली बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं तीखी मिर्च, और एक होता है स्वीट पेपर जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च को स्वीट पेपर या बेल शेप्ड मिर्च भी कहा जाता है, क्योंकि और उसका जो बॉटनिकल नेम है फ्रूटेसेंस है। फ्रूटेसेंस मतलब फ्रूट की तरह दिखाई देती है, गोल थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको देखने को मिलेगी स्पीसीज। चिली की बात करें तो यहाँ पर आपको दो स्पीसीज देखने को मिलेगी। एक होगी हमारी क्या क्या एक होगी हमारी हॉट चिली, हॉट चिली जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तीखी मिर्च, तीखी मिर्च जो सबको लग जाती है ना। और एक होती है स्वीट पेपर, स्वीट पेपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। इसको बेल शेप्ड मिर्च भी कहते हैं। क्या बेल शेप्ड? घंटे के आकार की मिर्च भी होती है, बेल शेप्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बेल शेप्ड भी बोलते हैं, याद रखना, बेल शेप्ड मिर्च भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, अगर इसका बोटनिकल नेम देखोगे तो इसका बोटनिकल नेम क्या हो जाएगा, कैप्सिकम एनम। और इसका नाम क्या है, कैप्सिकम फ्रूटासेंस। ठीक है, फ्रूट की तरह इसका शेप होता है, इसको कैप्सिकम फ्रूटासेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इनकी कुछ अलग अलग वेराइटीज भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। वेराइटीज की बात करें इनकी, बाकी सारी चीज़ अलग देखें कि इसकी वेराइटी जो होती है, एक होती है आंध्रा ज्योति। ठीक है, इसकी वेराइटी जो है वो क्या है, आंध्रा ज्योति। ठीक है, आंध्रा ज्योति जो है वेराइटी है इसकी। एक है पूसा ज्वाला, क्या है, पूसा ज्वाला, आंध्रा ज्योति है, पूसा ज्वाला है, ये क्या है, किसकी वैरायटी है, आंध्रा ज्योति और पूसा ज्वाला, ये सब किसकी है, तीखी मिर्च की हॉट इसकी वैरायटी है, किसकी, हॉट मिर्च की वैरायटी है पूसा ज्वाला और आंध्रा ज्योति। ठीक है, इसमें वैरायटी के कुछ कैरेक्टर भी हमें देखने पड़ेंगे कि आंध्रा ज्योति के क्या कैरेक्टर है, पूसा ज्वाला के क्या कैरेक्टर है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैरेक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, आंध्रा ज्योति के कैरेक्टर आप देखोगे और पूसा ज्वाला के। आंध्रा ज्योति जो है ये चेरी टाइप की है, चेरी टाइप। ठीक है, पूसा ज्वाला जो है ये थ्रिप्स के प्रति रेजिस्टेंस है, थ्रिप्स रेसिस्टेंट है। ठीक, इसमें म्यूटेंट वैरायटी है एक MDU1, एम से आ जाएगा म्यूटेंट, उत्परिवर्तन वाली वैरायटी है। ठीक है, उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित किस्म है, ठीक, ये MDU1। इसमें एक आती है पंजाब लाल, पंजाब लाल, पंजाब लाल की क्या खासियत है, रंग निकालने के लिए, रंग निकालने के लिए, कलर एक्सटेंशन के लिए बेस्ट है। और ये लीफ कर्ल के लिए भी, लीफ कर्ल के लिए भी बेस्ट है। लीफ कर्ल किसके द्वारा होता है, वाइट फ्लाई के द्वारा। ठीक है, लीफ कर्ल वाइट फ्लाई थ्रिप्स दोनों द्वारा होता है इसका, लेकिन थ्रिप्स जो है मेजर है। तो लीफ कर्ल पंजाब लाल जो है, MDU1, पूसा ज्वाला और आंध्रा ज्योति। कैप्सिकम फ्रूटोसेंस की बात करें, इसमें और देख लेते हैं और कुछ वैरायटी तो नहीं है। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी भी है, याद रखना, ज्वालामुखी इसके अंदर, पूसा ज्वाला भी इसी में है और ज्वालामुखी भी इसी में है, ज्वालामुखी। ठीक है, क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या कहती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। ठीक, यहाँ बात करें तो यहाँ आ जाएगा कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर। ठीक है, हिंदी में भी कैलिफोर्निया वंडर ही होगा, जिसमें वंडर लग जाए। स्वीट बनाना इसी की वैरायटी है, स्वीट बनाना इसी की वैरायटी है। नंबर तीन आ जाओ हीरा, इसी की वैरायटी है। नंबर चार आ जाओ भारत, इसी की वैरायटी है। ठीक है, और हीरा भारत और इंदिरा, इंदिरा भी इसी की वैरायटी है। इसमें और लिखना चाहो कैप्सिकम में तो क्या आ जाएगा, भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी इसी की वैरायटी है। ठीक है, ये सारी वैरायटीज हो गई। तो बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया कि हॉट चिली एक होती है और एक होती है स्वीट पेपर जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं, और वो जो है कैप्सिकम एनम जो है तीखी मिर्च है, और ये कैप्सिकम फ्रूटोसेंस जो है फ्रूट टाइप की इसकी में। अब इनकी बेसिक बेसिक बात करते हैं अपन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फैमिली, परिवार क्या है इनका। तो वही सोलेनेसी फैमिली का है, क्या है परिवार, सोलेनेसी फैमिली। ओरिजन क्या है इसका, ओरिजन हमने पढ़ा था इसका मैक्सिको है, मां से मिर्ची, मां से मैक्सिको।
क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका बेसिक ये भी समझ लिया था, 2n = 24 होते हैं, सिर्फ पोटेटो को छोड़कर बाकी सब में 24 होते हैं, ठीक है 24 होते हैं। फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है, गुच्छे में लगती है। फल प्रकार, ठीक है फ्रूट टाइप, फल प्रकार की बात करें तो बेरी होता है। पोलिनेशन की बात करें, इसमें पोलिनेशन किस टाइप का होता है, परागण जो है, परागण इसमें जो है परागण कैसा होता है, तो परागण की बात करें तो इसमें ओफन क्रॉस होता है, ओफन क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब प्रायः पर परागण। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, सामान्यतः सेल्फ होता है, सेल्फ होता है कितना 90%, और क्रॉस पोलिनेशन होता है 10%। तो ये दोनों कंडीशन पाई जाती है जिसमें इसको ओपन क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ओपन वाला हमने क्या पढ़ा था, ब्रिंजल, ब्रिंजल पढ़ा था। ओकरा में भी ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है और मिर्च में भी ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, तीनों याद रखना। उधर जाओगे तो ज्वार में आपको मिल जाएगा, कपास में मिल जाएगा, जूट में मिल जाएगा, ये सब ओपन क्रॉस पोलिनेशन। अरहर में ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, फील्ड क्रॉप की अगर बात करें तो, ठीक है ये पोलिनेशन टाइप हो गया। और क्या पढ़ेंगे मिर्ची में, मिर्ची की सीड रेट देख लो, सीड रेट अलग अलग है, वो भी वहीं डिस्कस करनी थी, पर ठीक है सीड रेट की बात करो, जो हमारी होट चिली है, ठीक है होट चिली में सीड रेट कितनी है, तो 1 से 1.5 kg/hectare, ठीक। और जो शिमला है, शिमला या हाइब्रिड जो है, शिमला हो या हाइब्रिड या संकर, उसमें कितनी रखेंगे, 250 से 300 g/hectare, ठीक है। नर्सरी एरिया कितना चाहिए, नर्सरी या जो उसको हम बोलते हैं रोपणी एरिया, रोपणी की बात करो तो इतना इसमें कम चाहिए, 150 m², याद रखना। सब में टमाटर ब्रिंजल हमने पढ़ा 250 m², इसमें कम चाहिए। और टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांट कब करेंगे, तो याद रखना इसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं 6 से 7 वीक में, 6 से 7 वीक लगभग हम करते हैं इसको, 35 से 45 डेज में ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम जैसे टोमेटो की बात करें हैं, टोमेटो की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, कोल क्रॉप की बात करें, तो लगभग 3 से 4 वीक में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, 3 से 4 वीक में नर्सरी को, 3 से 4 वीक। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चिली में, और सबसे कम एरिया चिली का ही है, नर्सरी का, और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है किसके अंदर, चिली के अंदर। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई, नर्सरी एरिया क्या हो गया इसमें। अब इसमें हमको ज्यामिति, मतलब इसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग फसल अंतरण या ज्यामिति कितनी रखनी है, ज्यामिति की बात करें तो इसमें 45 × 45 की स्पेस पे आप रख सकते हो, ठीक है। बलुई दोमट मृदा इसके लिए, जो सभी है बलुई दोमट मृदा अच्छी होती है, पीएच इसका लगभग 6.5 के आसपास हम रखते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5.8 से लेकर 6.5 तक इसका पीएच रखा जाता है, ठीक है 6.5 से आसपास इसमें पीएच रखा जाता है। और इसमें क्या चीज़ हमें देखनी है, इसमें हमें देखनी है कि इसके जो इसमें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा चिली कहाँ होती है, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक प्रोडक्शन भारत में और इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक, ठीक है। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन की बात करो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, क्लियर। चिली में कौन सा जैव उर्वरक यूज़ होता है, चिली में यूज बायो फर्टिलाइजर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक कौन सा यूज होता है, एजोटोबैक्टर इसके अंदर यूज किया जाता है। चिली के अंदर कौन सा जैव उर्वरक जो है यूज किया जाता है, एजोटोबैक्टर इसके अंदर यूज किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। देखो हमने क्या बोला, समझना बात को, सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है इंडिया के अंदर ये किसका होता है, होट चिली का, याद रखना होट चिली का। लेकिन अगर शिमला की बात करें तो शिमला का सबसे ज़्यादा होता है चाइना में, ठीक है ये दोनों पॉइंट आपको समझना पड़ेंगे। हाईएस्ट प्रोडक्शन भारत में होता है किसका, होट चिली का, ठीक है। लेकिन शिमला का कहाँ होता है, चाइना में। और इंडिया के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। बायो फर्टिलाइजर एजोटोबैक्टर यूज़ होता है, एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर इसमें यूज़ होता है, क्लियर। कौन सा एजोटोबैक्टर जो है बायो फर्टिलाइजर के अंदर यूज होता है। और यहां पर हम बात करें ग्रीन प्लस ड्राई चिली रेशियो, मतलब हरी और सूखी मिर्च का
अनुपात कितना होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने पहले हरी चिली ली, ठीक है, हरी मिर्च ली, उसका वजन कर लिया, ठीक, वजन कर लिया, और उसके बाद उस मिर्च को सुखाने के बाद फिर से वजन कर लिया, तो उनका रेशियो क्या आएगा? तो उनका रेशियो आएगा 10:1। ठीक है, हरी और ग्रीन, हरी और सूखी मिर्ची का जो अनुपात हम निकालते हैं वो 10:1 आता है निकल के। पहले आपने हरी मिर्च का लिया, फिर उसको वजन करके, फिर हमने क्या लिया, वजन करने के बाद फिर उसको सुखाया, सुखाने के बाद फिर उसका वजन किया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका अनुपात जो आएगा 10:1 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि इसमें फल गिरने से रोकने के लिए, फल को देखो, पहली चीज़ तो इसमें अपन क्या खाते हैं, एडिबल पार्ट क्या है, फल है, क्या है यहाँ पे एडिबल पार्ट, क्या है, फ्रूट है, फ्रूट एडिबल पार्ट है, मतलब फल है एडिबल पार्ट यहाँ पे। ठीक है, ये एडिबल, यहाँ एडिबल पार्ट हमने यहाँ पढ़ाने की किसी में जरूरत नहीं क्योंकि फल खा रहे हैं, एडिबल पार्ट फ्रूट है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट। मिर्ची भी क्या होती है, डे न्यूट्रल, जिसका भी फ्रूट खाते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, अब मिर्ची के अंदर देखो, मिर्ची के अंदर क्या चीज़ होती है, मिर्ची के अंदर सब चीज़ समझना, मिर्ची के अंदर सीड होते हैं, ठीक, सीड होते हैं, और क्या होता है, सीड के अंदर डंठल भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, स्टॉक होता है, और पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है, ठीक है, पेरिकार्प होता है, तीन चीज़ होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मिर्च है, मिर्च के अंदर सीड भी होते हैं, डंठल होते हैं और पेरिकार्प होता है। अगर मिर्च का मैं अगर डायग्राम आपको बनाऊं, ठीक है, अगर ये मैं चिली को ओपन चिली बना रहा हूं, ये हमारा हो गया डंठल, ठीक है, और इसके अंदर डंठल के अंदर क्या होंगे, यहां पर व्हाइट कलर के क्या होंगे, सीड्स होंगे, ठीक है, सीड्स होंगे। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, स्टॉक मतलब डंठल, ठीक, फ्लावर स्टॉक, ये हो गया बाहर पार्ट पेरिकार्प, ठीक है, और ये अंदर हो गया सीड। तो अगर मान लो ये एक मिर्ची है, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या निकलेंगे, तो यहां पर वेट बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे, वजन के आधार पर, वेट बेसिस पे, वजन के आधार पर, यहां सीड लगभग 54% क्या होते हैं, सीड लगभग 40% नहीं, लगभग 6% तक डंटल होते हैं, और लगभग 40% तक क्या होता है, पेरिकार्प होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सीड, अगर आप वेट बेसिस पे लोगे तो सबसे ज्यादा निकलते हैं सीड, ठीक है, क्या निकलते हैं, सीड लगभग 54% सीड होता है, 40% पेरिकार्प मतलब छिलका होता है, उसके बाद 6% क्या होते हैं, इसमें डंटल पाए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम बात कर ले, हमने किसकी बात कर ली है, यहाँ पे वेराइटीज की भी बात कर ली, वेराइटी के बाद हम क्या सीधे इंसेक्ट पेस्ट देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंसेक्ट पेस्ट इसमें, हाँ, इंसेक्ट पेस्ट देखने से पहले देखो, इसमें जो रेड कलर होता है चिली का, जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, लाल रंग होता है वो कैप्सिएंथिन की वजह से, ठीक है, और इसमें जो पंजेंसी, पंजेंसी या जो तीखापन होता है, तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैप्सिसिन की वजह से, ठीक है, कैप्सिएंथिन, कैप्सिएंथिन की वजह से तो लाल रंग, और कैप्सिसिन की वजह से उसमें तीखापन आता है या वो पाया जाता है, तीखापन उसके अंदर देखने को आपको मिलेगा, किसके अंदर, चिली के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर, चलो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, पंजेंसी देख लिया, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आप समझ लो क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, चिली के अंदर, चिली के अंदर जो है क्या होता है, कौन सा सोर्स पाया जाता है, मतलब चीची रिचेस्ट सोर्स होती है चिली के अंदर, क्या होता है, देखो चिली के अंदर दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, मैं बोलूँ कि रिच सोर्स है, रिच सोर्स है, प्रमुख सोर्स है चिली किसका, यह है विटामिन ए एंड सी, दोनों पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए और दो में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी, ये अगर ऑप्शन ऐसे दें विटामिन ए बी सी और डी, तो आपको क्या लगाना है, विटामिन सी लगाना है, और विटामिन ए बी सी और दे दें ए और सी, तो आपको ए और सी लगाना है, क्योंकि दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे हमने टमाटर के अंदर पढ़ा था, टमाटर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, टमाटर, टमाटर में नहीं पढ़ाया जाता, टमाटर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना, टमाटर के अंदर वेट पाया जाता है, टमाटर के अंदर एक चीज़ और समझो, टमाटर के अंदर ऑयल, टमाटर के जो सीड होते हैं उनमें ऑयल होता है लगभग 24%, टोमेटो के जो सीड होते हैं उसमें ऑयल होता है लगभग 24%, वो नहीं पढ़ाया, लिख लेना जहाँ नोट्स आपने बनाया, टमाटर में विटामिन ए पाया जाता है, टमाटर
कि ऑयल जो होता है, सीड जो होता है, उसमें ऑयल परसेंट कितना होता है, 24% तक ऑयल पाया जाता है टमाटर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे चिली में हमें क्या पढ़ना है, इंसेक्ट पेस्ट देखना है। तो लीफ कर्ल और फ्रूट रॉट दो यहाँ पे डिजीज पाई जाती हैं। क्या डिजीज की बात करूँ तो पहला है, एक तो आ जाएगा लीफ कर्ल और दूसरा है फ्रूट रॉट। फ्रूट रॉट, ये दो बीमारी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, चिली के अंदर। ठीक है, लीफ कर्ल, लीफ कर्ल जो है किसकी वजह से होती है, तो लीफ कर्ल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई दोनों की वजह से होती है, लेकिन मोस्टली जो है दोनों में वो होता है थ्रिप्स की वजह से। सॉरी यार बच्चों, थोड़ा सा सर्दी हो रही है और इस वजह से छींकें आ रही है ना, ये थ्रिप्स, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई की वजह से। थ्रिप्स का नाम क्या है, थ्रिप्स का नाम मैं लिख देता हूँ, सीटो थ्रिप्स डोर्सेलिस, सीटो थ्रिप्स डोर्सेली, और वाइट फ्लाई बमेशिया टबेकाई। ठीक है, तो इंसेक्ट भी आप हो गए, एक थ्रिप्स और एक वाइट फ्लाई, दो इंसेक्ट भी हो गए, ये लीफ कर्ल इसके द्वारा होती है। फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट को और क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं, याद रखना, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं और इसको डाईबैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के नाम है ये, इसी को तीनों बोलते हैं। किसके द्वारा होती है, तो कोलेटो ट्राइकम कैप्सिसी, कोलेट्राइकम कैप्सिसी की वजह से होती है। कौन सी, अभी हो गया लिप कर्ल हो गया आपका और फ्रूट रॉट हो गया, दोनों थ्रिप्स और वाइट फ्लाई। इंसेक्ट की बात करें तो थ्रिप्स और वाइट फ्लाई तो हो ही गया यहाँ पे, और क्या बचा, थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, और कुछ है, थ्रिप्स है और वाइट फ्लाई हो गया, इंसेक्ट, दोनों इंसेक्ट हमने देख लिए, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई दोनों। ठीक है चलो, और कुछ नहीं। अब इसमें एक चीज़ और देखना, फ्रूट ड्रॉप को कैसे रोकेंगे, फल फल को गिरने से रोकना है अगर, है ना, फल को गिरने से रोकना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसलिए, फ्रूट ड्रॉप अगर हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, जबकि नेफ्थलिक एसिटिक एसिड जनरली जो यूज़ होता है, जनरली यूज़ होता है थिनिंग के लिए, मतलब गिराने के लिए, फलों को गिराने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे फलों को गिरने से बचाने के लिए हमेशा ट्रूफोर्टी का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं। और कहाँ पर करते हैं ऐसा, ऐसा और अंगूर में करते हैं, अंगूर में भी फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर भी फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। जनरली नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, फल को गिराने में किया जाता है, पर यहाँ पर बचाने में किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं अपने पास। सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर, सिट्रेट वगैरह, ठीक है। टेम्परेचर अगर डिस्कस नहीं किया तो टेम्परेचर देख लो, इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर अगर डिस्कस नहीं किया तो इसको 20 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर चिली के अंदर 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ हमने देख ली है। ठीक, इसके अलावा इसमें चिली में और कुछ नहीं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपके नोट्स में मिल जाएगा, आपको और भी वेराइटीज़ है नोट्स में मिल जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चिली में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।